हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? भगवान की दुआ से आप भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। चलिए, आज संडे है और संडे को हम जाएंगे राइड करने के लिए। लेकिन राइड करने से पहले हम आपको एक खुशी की खबर हम बोल देते हैं और एक दुख का भी खबर बोलते हैं, क्योंकि एक खुशी की खबर है कि हमारा क्या बोलते हैं 12 सब्सक्राइबर आ गए हैं दो दिन में। एक दिन में 10 और दूसरा दिन में 2 आए हैं, तो 12 सब्सक्राइब आए हैं। लेकिन हमारे व्यू ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इस बात की हमें दुख है। खुशी तो बस 12 सब्सक्राइब आए हैं एक दो दिन में, वो बहुत खुशी है। चलिए हम राइड तो शुरू करेंगे, तो यहाँ से हम निकल लेंगे, उसके बाद ही शुरू करेंगे। उससे पहले आप थोड़ा देख लीजिए इधर का 360 व्यू, और यहाँ जहाँ पर हूँ वहाँ से हम मान के चलिए 3-4 इंट्रो हम दे चुके हैं। देख सकते हैं आप, यहाँ एक ही जगह है, जगह हम कहीं चेंज नहीं किए, क्योंकि हमें जगह हाईवे पर मिलता नहीं है इसे बनाने के लिए, और इसलिए एक ही जगह हम इंट्रो देते हैं और वहीं से राइड शुरू कर देते हैं। क्योंकि हमारा रूम से थोड़ा बाजू में है और वही एरिया थोड़ा हमको सुनसान लगता है, कुछ आवाज़ नहीं आता गाड़ी उड़ी का, लेकिन नहीं तो बाकी जगह में गाड़ी का आवाज़ आता है। तो चले बिना देर के हम राइड को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, आपको हम थोड़ा दिखा देते हैं कि हाईवे का सीन कैसा है। आप देख सकते हैं हम एक ही जगह में हम खड़ा होके अपना मोबाइल पर सेटअप करके रखे हैं साइकिल में अपना मोबाइल को, और आप देख सकते हैं इधर का नज़ारा। चलिए हम देर नहीं करेंगे, यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा छांव था तो हम खड़ा थे, लेकिन वहाँ से हम आगे निकल जाएंगे वरना हम और लेट होते जाएंगे। और देखिए हाय, हमारा बहुत सारा व्यूअर्स है जो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं लेकिन वीडियो नहीं देख रहे हैं, क्यों पता नहीं है। और जब भी हम शॉर्ट वीडियो डालते हैं तो हमारा सब्सक्राइब बहुत आते हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियो में हमारा सब्सक्राइब बहुत कम आते हैं। हाँ, बहुत सारा ऐसा आदमी है कि हमारा न्यू व्यूअर्स भी आते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर देते हैं और लाइक तो कर देते हैं, साथ ही साथ कमेंट कोई नहीं करता है। थोड़ा कमेंट भी क्या करो यार, ताकि हमें पता चले कि हमारा मोटो ब्लॉग हम कैसे बना रहे हैं कुछ। आप अगर कमेंट में हमें कुछ नहीं सुझाव देंगे तो हम कैसे अपना चेंज करेंगे, बताइए आप। इधर जो रोड दिया हुआ है, इधर लेफ्ट साइड में पूरा देवाल ही देवाल है तो। अरे इन दो भाई साहब का क्या हो गया, गाड़ी यहाँ इन लोग का किसी का इंतजार कर रहे शायद दोनों आदमी। हम आगे निकल जाते हैं, और ये जो दीवार में एक एक इमेज बनाया गया है, ये सब हिस्ट्री वाला इमेज दिया गया है। ये जो स्टोरी होते हैं, जो हिस्ट्री हम लोग का अतीत में जो सब घटना हो गया है वही चीज़ का सब दिया गया है, ये मेरे को अच्छा लगा है। एक एक एरिया का एरिया को दिया गया है, कहाँ जंगल है तो कहाँ कोई पक्षी है तो कहाँ कोई पशु है, बहुत सारा चीज़ है। ऐसे होना चाहिए रोड साइड के दीवार में, कहीं मंदिर का, कोई राजा का घर, जो हमारे फेमस राजा सब रहते हैं उन लोग का घर कैसे रहता था, कैसा था, वही सब यहाँ पर इमेज डाला गया है। यह बहुत सही किया है, ये बिल्कुल बहुत लंबा था खेल, लेकिन ये सब कर्नाटक का जो फेमस जगह है वहीं सबका डाला होगा, क्योंकि ये कर्नाटक का एरिया है तो वहीं का इन लोग डालेंगे, ये तो दूसरा स्टेट का नहीं डालेंगे। यहाँ के पहले के जो राजा सब थे उन लोग का घर कैसा था, कौन सा एरिया में था, कैसा था, सब कुछ यहाँ पर डाला गया है, देख सकते हैं आप। लेकिन यहाँ हमको रुक के थोड़ा अच्छा सा आपको दिखाना चाहिए, लेकिन यहाँ बहुत सारा गाड़ी आ रहा है ना, तो हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, वरना हम आपको यहाँ से एक करके दिखाने के लिए तो कोशिश कर सकते थे, लेकिन
लेकिन ये हाईवे है इसलिए हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं, क्योंकि लंबा भी उतना ही है, सब मान के चल 200 मीटर से ज़्यादा लंबा है वहाँ। हाँ वहाँ तक थोड़ा दिखाना आपको पॉसिबल नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं पा रहे हैं, सॉरी उसके लिए। लेकिन बहुत अच्छा चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ से हम आगे निकल जानेंगे, और निकलने के बाद कहाँ जाएंगे कुछ गारंटी नहीं है। ये जो रोड गया है ये जसवंतपुर की तरफ गया है ये रोड भी, क्योंकि इस रोड में हम पहले भी राइड कर चुका हूँ। लेकिन वो वाला मोटो वो लोग आप अगर नहीं देखें तो आप हमारा वीडियो सेक्शन में जा कर आप देख सकते हैं। और इधर देखिए दोस्तों, इन भाई का क्या हो गया यार, ये इस बूढ़ा से क्या परेशानी इन लोग का पता नहीं। छोड़े उन लोग का मैटर, हमें आगे निकल जाना है। देखिए इन भाई साहब को, इस स्कूटी का उन लोग का आयल ख़त्म हो गया है और ये आदमी उसको मदद कर रहा। चलिए एक दूसरे कोई मदद कर रहा अच्छी बात है, लेकिन इन लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं ना बीच रोड में इस तरह करके। अच्छा जो ये वही आदमी है जो उधर में रुका हुआ था, आपको देखने को मिला होगा जो ग्रीन कलर का और रेड कलर का, इन लोग का आयल ख़त्म हो गया था हम जो बोल रहे थे पहले, इन लोग क्यों रुका हुआ बोल के। लेकिन इन लोग दूसरा आदमी से मदद लेके इतना तक आ गए, और इन लोग को और भी आगे जाएंगे उसके बाद ही इन लोग को मिलेगा पेट्रोल पंप, क्योंकि इधर सामने में नहीं है, कहीं दुकान उकान होगा तो उन लोग ले लेंगे और भरेंगे अपना पेट्रोल और जाएंगे। हम लोग का जैसा, अरे भाई साइकिल चलाएंगे तब तो साइकिल में ना कोई पेट्रोल लगता है ना कोई हेलमेट लगता, आराम से जाइए साइड साइड में। लेकिन ये रोड तो बड़ा ख़राब निकला है, क्योंकि पूरा दुनिया हिल रहा होगा, आप वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा भी रोड हमको अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा यार, पूरा दुनिया हिल रहा। अच्छा है कि हमारा थोड़ा इमेज इस्टेब्लिश शायद ऑन है कि ऑफ है मालूम नहीं है वीडियो का, हमको तो डाउट लग रहा आपको कैसे देख रहा, आप कमेंट का काम है ज़रूर बताना। बहुत लंबा हमने सफ़र कर दिए हैं, लेकिन आज दस मिनट में 10 किलोमीटर से ऊपर ज़्यादा हम राइड कर चुके हैं, क्योंकि उतना स्पीड में आज का राइड हुआ था। थोड़ा डाउन भी हमें मिला तो इजी हो गया थोड़ा चलाने के लिए, इसीलिए दोस्तों आगे तरफ आप देख सकते हैं साइन बोर्ड में बेंगलोर विजयनगर मागड़ी, ओके हमको उधर इधर नहीं जाना है, क्योंकि बस हाईवे पका के हम अपना रूम चल जाएंगे यहाँ से, इससे ज़्यादा हम राइड नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि एनर्जी ख़त्म हो गया यार आज भी। हर संडे को हमारा ऐसे यही हाल होता है, निकल जाते हैं और जब वीडियो बनाने के मूड में रहते हैं साला भूख लगता है, कहाँ धूप लगता है कभी कुछ और हम आपस चल जाते हैं। तो इसके लिए आपको दुखी नहीं करूँगा, और भी आगे जाके हम ब्लॉग बनाऊँगा और ब्लॉग तो बनाएंगे साथ साथ आप लोग, लेकिन हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन व्यू बहुत कम आ रहे हैं, हमारा सब्सक्राइब हमारे शॉर्ट वीडियो से आते हैं लेकिन हमारे व्यूअर थोड़ा कम आ रहे हैं इस लॉन्ग वीडियो में। आप हमारे वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं बोलना, ठीक है, जब भी वीडियो देखते हैं तो। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको तो अच्छा नहीं लगता होगा हमको मालूम है, फिर भी एक लाइक कमेंट कर देना, ठीक है। हम हाईवे के ऊपर से ही जा रहे हैं, अगर नीचे से जाते तो थोड़ा कुछ हमें देखने को शायद मिल जाता है, लेकिन हम ऊपर ओवरब्रिज से जा रहे हैं क्योंकि हम तो थोड़ा हाईवे वाला मज़ा ले रहे हैं, इसलिए साइड में अगर जाते हैं तो ट्रैफिक बहुत सारा रहता है,
नीचे वाला रोड में सब क्रॉस वाला रोड रहता है इधर उधर जाने के लिए, और ऊपर में रहता है पूरा, आप ऊपर ऊपर ही चल जाएंगे बहुत दूर तक, कोई ट्रैफिक नहीं रहता हाई ये ओवर ब्रिज में और हाई। लेकिन आज संडे है लेकिन उतना भीड़ नहीं, हमको पता नहीं चल रहा कि आज इतना क्यों भीड़ नहीं है। संडे तो थोड़ा भीड़ होना चाहिए रोड, तब तो राइड करने में मज़ा आता है। अरे एक बार ऐसा जम लग जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, मूड ऑफ हो जाता है राइड करने में। तो दोस्तों ये ओ माय गॉड, ये ऑटो वाला को क्या हो गया यार, इसका शायद ऑटो पंचर हो चुका है। जी बिल्कुल, इसका पंचर हो चुका है, क्या पंचर बना रहा। दोस्तों चलिए अभी, और एक आप आ रहा यार, क्या कर रहे हैं इधर, हम राइड को बंद कर देंगे क्योंकि अभी और चढ़ाव है, कौन उतना चढ़ाव हो जाएगा, नहीं जाएगा। हम यहाँ से हम वापस जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए, और कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो भी कुछ भी देखें आपको अच्छा लगे ना लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट से जाके कमेंट कर देना कैसा लगा बोल के वीडियो ये। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।